हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। और अब हम क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं वो है वो क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस व्हिच आर बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये मेरे ख्याल से पार्ट वन रहेगा और उसके बाद पार्ट टू आएगा नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट टू आपको देखने मिलेगा, मे बी शायद पार्ट थ्री, आई डोंट नो, देख लेना आप लोग, वीडियो आपको दिख जाएगा या मैं बता दूंगा फाइनली कि मैंने कितने पार्ट में किया है। आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इस पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब जो इस आपके बुक में जो बोर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे मार्क किया गया है कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसमें जो पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो है ये, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। सो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टू नेचुरल नंबर्स आर, लेट द टू नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नेचुरल नंबर हमने एक्स एंड वाई लिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या बोला, एज पर फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ बोथ, मतलब आपको एक्स प्लस वाई बोला गया है इट इज 8, ठीक है। अब यहां एक काम करो, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दो या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दो और इसको नंबर वन कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब क्या, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सो एज पर सेकेंड कंडीशन डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x - 1/y इज इक्वल टू 2/15। सी डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब क्या, उनके रेसिप्रोकल का सब्ट्रैक्शन, एक दूसरे के रेसिप्रोकल का सब्ट्रैक्शन। बट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसलिए आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखो या तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 1/x - 1/8 - x इज इक्वल टू 2/15। नाउ यू आर गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं अभी नहीं मिला, अभी हम सॉल्व करेंगे ना, यू आर ऑन द वे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 1/ अभी क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 8 - x - x डिवाइडेड बाय इट इज x इनटू 8 - x, सो दिस इज इक्वल टू 2/15, करेक्ट। सो ये हो गया आपका 8 - 2x / x - 8 - x इज इक्वल टू 2/15। सो नाउ व्हाट कैन यू डू, आप यहां से ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से ये हो जाएगा 4 - x, ठीक है, इनटू 15 कर दो, किसका 15 है, ये वाला 15 मैंने वहां पे न्यूमरेटर में शिफ्ट किया और ये 2 हो जाएगा राइट साइड वाला न्यूमरेटर, उसके साथ आपका x आ गया और 8 - x है, ठीक है, ये वाले मैंने राइट साइड के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अगर आप ऑब्जर्व करो, यू कैन नलीफाई, यू कैन कैंसिल दिस 2, फॉर एग्जाम्पल अगर सबको, सपोज मैंने आपको बोला 2 × 3 = x × 2, सो क्या आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, यस, क्यों, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करते तो 6 = 2x हो जाएगा और x = 6/2 जो कि 3 अल्टीमेटली आना ही है, दोनों जगह से आप जो कॉमन मल्टीपल है उसको निकाल सकते हो। सो यू आर रिमेनिंग विथ 15 इंटू, यू आर लेफ्ट विथ 4 - x = x × 8 - x, सो दिस इज 15 × 4 = 60 -15x, बेसिकली ब्रैकेट ओपन किया ये हो जाएगा 8x - x2, सो देयरफॉर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नाउ -x2 को लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, बेसिकली सब को लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, हो जाएगा -15x - 8x + 60 = 0, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका x² - 23x + 60 = 0। सो अभी अपने को 60 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि प्लस करने पे -23 आना चाहिए, सो 20 × 3 करोगे, सो उनको प्लस करो, मतलब -20 - 3 करोगे तो -23 आ जाएगा,
सो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x माइनस सॉरी प्लस 60 इक्वल टू जीरो. सो ये हो जाएगा आपका x कॉमन x माइनस 20 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 20, करेक्ट. सो आगे देखते हैं, हम लोग आगे के स्लाइड में करते हैं. x देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस 20 और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट. समझ में आ रहा है आप लोग को? सो देयरफॉर आपका x माइनस 20 एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो. बेसिकली आपका x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. x माइनस 3 इक्वल टू जीरो. बेसिकली योर आंसर इज x इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 3. आ रहा है समझ में आप लोग को? x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 3. नाउ अगर अगर x इक्वल टू 20 है सो y निकालो. x प्लस y 8 था आपका. सो x प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y वुड बी व्हाट? y इज 8 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 12. इट इज नॉट पॉसिबल. अरे नेचुरल नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है? सो देयरफॉर x इक्वल टू 20 इज नॉट पॉसिबल. सो बेसिकली आपका ओनली एंड ओनली वन आंसर इज लेफ्ट विच इज x इक्वल टू 3. सो देयरफॉर योर सो देयरफॉर अगर x इक्वल टू 3 है सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 8 मुझे y का वैल्यू 8 माइनस x दे देगा, मतलब 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5. सो y इज 5 एंड x इज 3. सो द टू नेचुरल नंबर्स आर 3 एंड 5, करेक्ट. इजी है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड वाला आपका सी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका. कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2? ये 6A का 17 है गाइस. एक्सरसाइज 6A में 17 नंबर का जो सम है वो ये है. सो 6A 17 प्लीज जाके देखो. एक्सरसाइज 6A 17 में मैं वापस नहीं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज गो देयर एंड वॉच. ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज 6A का 17 सम, प्लीज गो देयर एंड वॉच, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक्सरसाइज 6C का 4 है. 6C का फोर्थ जो सम है वो आपका यही पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम है. ठीक है, सो अगेन थर्ड, ये जो 6C का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप जो हमारे इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 6C में फोर्थ. ठीक है, प्लीज गो देयर एंड वॉच, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन. अब जो नए हैं, जो बोलते हैं हमने किए नहीं है और जो एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे टाइप के हम सम लेंगे. अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6. When 9 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. So, क्या कर सकते हैं हम लोग? टू डिजिट नंबर है. मुझे एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूँ. Let the unit place of a two digit number be x. टू डिजिट नंबर बी एक्स, बराबर. लेट दी unit place of two digit number be x and tens place be y. Means, so therefore two digit number क्या हो जाएगा आपका? Two digit number is, what is a two digit number? अभी जैसे suppose आपका 23 है. So अगर मैं बोलूँ 3 is your unit place, 2 is your tens place. So 2 into 10 plus 3 करेंगे तो क्या 23 मिलता है? Right. So मतलब it is tens place into 10 plus x will give you two digit number. मतलब ये हो जाएगा x plus 10y. Correct. x plus 10y ये आपका two digit number है. But उसने क्या बोला? उसने बोला है two digit number is such that product of its digits is 6. मतलब but x into y is equal to
कितना x इंटू वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो टू डिजिट नंबर आपको x प्लस 10 y मिला, और उसके बाद आपका जो कंडीशन पहला था प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डिजिट्स 6। नाउ व्हेन 9 इज एडेड टू दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, व्हेन 9 इज एडेड टू दिस नंबर, एक मिनट, हाँ, व्हेन 9 इज एडेड टू दिस नंबर तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 y प्लस 9। व्हेन 9 इज एडेड टू दिस नंबर, कौन सा नंबर, पहले जो आपको टू डिजिट नंबर मिला, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मतलब क्या, आप मुझे एक बात बताओ, अगर टू डिजिट नंबर आपका ओरिजिनल वाला एक्स प्लस 10 y है, और मैंने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, अभी क्या हो गया, मेरा यूनिट प्लेस वाई है और मेरा टेंस प्लेस एक्स है, सो क्या टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई नहीं हो जाएगा, अभी मेरा यूनिट और टेंस प्लेस इंटरचेंज हो गया, सो मेरा यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस इज नाउ वाई, टेंस प्लेस इज एक्स, रादर पहले क्या था, यूनिट प्लेस वॉज एक्स, टेंस प्लेस वॉज वाई, इसलिए एक्स प्लस 10 y। अभी यूनिट प्लेस मेरा वाई है और टेंस प्लेस मेरा एक्स है, तो 10x प्लस वाई, ये आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सो मुझे एक बात बताओ, जब 9 आपको ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो इंटरचेंज्ड टू डिजिट नंबर मिलता है, सो क्या मैं राइट साइड में ऐसा लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करने के बाद जो बना वो यही है, और वही तो बोल रहा है 9 ऐड करो पुराने में आपको नया मिलेगा जो कि इंटरचेंज करके मिला है। अब इसी को आप थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व मतलब क्या, ये हो जाएगा एक्स, सो सबको लेफ्ट में ले लो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 10x प्लस 10 y माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो हो जाएगा माइनस 9x प्लस 9 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, सो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप एक्स वाई इज इक्वल टू 6 बोल रहे थे, सो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखो, सो यही आप पुट कर दो, सो पुट पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन x, इसको नंबर 2 डाल दो इन इक्वेशन 2। सो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या था, लिखते हैं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, y इक्वल टू 6 अपॉन x इसमें डालोगे आप, y इक्वल टू 6 अपॉन x, ये हो जाएगा 6 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज नहीं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, रादर आप इस तरह से देख सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स, सो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव बाहर रहेगा अभी भी, 6 इंटू एक्स अपॉन एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू एक्स ओनली एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स मतलब 0। अभी इसको क्या करेंगे, राइट साइड में अगर भेजोगे, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि आपको माइनस करने पे माइनस एक्स आना चाहिए, माइनस करने पे माइनस एक्स आना चाहिए, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब डिजिट जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, सो डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 इज योर फाइनल आंसर। सो बेसिकली सी, अब उसने क्या बोला था, जो आपका यूनिट प्लेस है वो 3 होगा और टेंस प्लेस जो है वो y था, लेकिन आपको x इंटू वाई क्या था, 6 था, x की जगह पर डालो ये 3 y इज इक्वल टू 6, सो बेसिकली y आपका 3 हो जाए, 2 हो जाए। यूनिट प्लेस क्या था आपका,
थ्री था, टेंथ प्लेस क्या था, टू, सो योर नंबर इज 23, सो दिस इज योर टू डिजिट नंबर, क्या है आपका टू डिजिट नंबर, आए समझ में, इजी है, कुछ ज्यादा डाउट नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़े ना, फोर्थ वाला हो गया, अब फिफ्थ वाला, अ शॉपकीपर बायस, ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2013 लिखा हुआ है, 2013 में आया हुआ है, सो अ शॉपकीपर बायस अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 960 रुपीज, इफ कॉस्ट पर बुक वॉज 9 रुपीज लेस, नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर रुपीज 960 वुड बी 4 मोर, कॉस्ट पर बुक अगर 8 रुपीज से कम हो गया तो 4 बुक एक्स्ट्रा ले पाएगा वो 960 रुपीज में ही, taking the original cost of each book is x, write equation and solve, guys कैसे करोगे, can you tell me anything, see हम लोग को यहाँ पे पता है कि हम लोग यहाँ पे पहले लिखे let cost per book या each book का cost is equal to x rupees, ठीक है, वो already हम लोग को बोला ही है कि वो assumption लेना है, and let Number of books is equal to y. ले लो, ले दो वेरिएबल चलता है, आगे तो क्वाड्रेटिक बनने ही वाला है, देखो कैसे लगा रहा हूं, सो देयरफॉर वो क्या बोल रहा है, आपका जो खर्चा आएगा ना वो हो जाएगा 960, मुझे एक बात बताओ, 5 रुपए का एक चॉकलेट, 4 चॉकलेट ले रहे हो, कितना हो गया 20 रुपीज, 5 × 4 किया ना आपने, सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 960, एंड आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, ये हो जाएगा 960 अपॉन x, लिख दो, बाद में पुट करना ही है आपको, इसलिए पहले लिखो, अब क्या बोल रहा है, एज पर ये आपका एज पर फर्स्ट कंडीशन था, एज पर सेकेंड कंडीशन व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन वो क्या बोल, इफ कॉस्ट पर बुक वॉज 8 रुपीज लेस, कॉस्ट पर बुक कौन सा है, x है, अगर x इज योर 8 रुपीज लेस, ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स जो आप बाय कर पाओगे ना वो 4 ज्यादा बाय कर पाओगे, लेकिन आपको देना उतना ही है 960 रुपीज, बराबर, कॉस्ट पर बुक आपका 8 रुपए से कम हो गया, आपने इसके वजह से 4 एक्स्ट्रा बुक खरीद ली, लेकिन आपको 960 रुपीज ही देना है, सो यही है पूरा का पूरा लॉजिक, सो बेसिकली आपका 8, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा 8y, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, 8 इंटू वाई प्लस 4 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 4 माइनस 8 इंटू वाई प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 960, सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 8y माइनस 32 इज इक्वल टू 960, सो बट एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट 960, बट एक्स वाई इज इक्वल टू 960, सो देयरफॉर 960 प्लस 4x माइनस 8y माइनस 32 इज इक्वल टू 960, 960 कैंसिल हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 4x माइनस 8y माइनस 32 इज इक्वल टू 0, वाई 960 इज गॉन बिकॉज वो लेफ्ट और राइट साइड, मतलब लेफ्ट एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड, आइदर ऑफ द साइड्स में है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है, अगर मल्टीप्लीकेशन अगर सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो देयरफॉर नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 और बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, बोथ साइड्स बाय 4, सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 4 8 32 इक्वल टू 0, अभी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नंबर 2, पुट y इज इक्वल टू 960 अपॉन x इनटू, बेसिकली आप आपके इक्वेशन में x माइनस 2y जो कि माइनस 8 इक्वल टू 0 है, आप इसमें y इज इक्वल टू 960 अपॉन x डालोगे, 2 इनटू 960 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट गाइस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 960 into 2, so 960 into 2 is 12, 9 to 18, 1920,
So it is 1920 upon x minus 8 equal to 0. Multiply both sides by x. So multiply both sides by x. Both sides by x. So therefore, ye ho jayega x square minus 1920 minus 8x equal to 0. So therefore, your quadratic equation is, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1920 इक्वल टू जीरो. सो 1920 का फैक्टर आपको ऐसे पढ़ना है कि माइनस करने पे माइनस एट आना चाहिए. तो जैसे 192 इंटू 10 हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 96 इंटू 10. फर्दर डिवाइड करते हैं 2 इंटू 96 मतलब 48 इंटू 2 इंटू 10. 2 टू 4, 4 टेन 40. सो बेसिकली 48 एंड 40 ये दो आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 8 आएगा, लेकिन माइनस 48 प्लस 40 करोगे सब्ट्रैक्ट होगा ही, माइनस 8 आ जाएगा. सो बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर माइनस 48x हो जाएगा प्लस 40x हो जाएगा माइनस 1920 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x कॉमन लेंगे इसमें से, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 48 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x माइनस 48 एक ब्रैकेट में x प्लस 40 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 और x इक्वल टू माइनस 40. बट मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू जो कि कॉस्ट पर बुक है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? सो सिंस कॉस्ट पर बुक कैनॉट बी नेगेटिव. सो देयरफॉर x इक्वल टू 48. सो x इक्वल टू 48 का मीनिंग क्या हो गया? कॉस्ट पर बुक इज 48. आए समझ में आपको? कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 48. So, लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू 48 रुपीज. आ रहा है समझ में आप लोग को? कौन सा सम किया हमने? शॉपकीपर वाला किया. ठीक है, इज इट इजी? आ रहा है आप लोग को गाइस समझ? आगे बढ़े हम लोग, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज अगेन एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का ये लास्ट है, आज के लिए ये अपना लास्ट सम होगा. एन एरोप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू गाइस ये सुनो. इधर एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है एक जगह पर, ऐसा ट्रेवलिंग हो रही है, ये एक डायरेक्शन में, मतलब ये ऑनवर्ड जर्नी, ये जर्नी है, फिर रिटर्न जर्नी होने वाली है. 400 किलोमीटर उसका फिक्स है, एवरेज स्पीड है उसका एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऑन द रिटर्न, अब रिटर्न की बात करें, रिटर्न के समय स्पीड उसकी है इंक्रीज कर दी गई है और स्पीड अब उसका हो गया है x प्लस 40, बढ़ गया ना 40 किलोमीटर पर आवर से. सो बट जो किलोमीटर है वो सेम है, द स्पीड वॉज इंक्रीज. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन. ठीक है, सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर. एक मिनट, लेट मी सी द क्वेश्चन. कुछ तो हाँ आगे है ना, या ओके. If the return journey took 30 minutes less, speed बढ़ेगा तो time कम लगेगा. मतलब पहले वाले केस में onward journey में time ज़्यादा लगा. ठीक है, let us solve this. Try कैसे करेंगे? अगर आपको आ रहा है तो please pause this video and then start doing. ठीक है, नहीं तो फिर मेरे flow में मेरे साथ चलते रहो. क्या बोल रहे हो? Distance traveled. So distance जो है वो है आपका 400 किलोमीटर फिक्स है. यह है ऑनवर्ड के लिए भी है एंड रिटर्न जर्नी के लिए, दोनों के लिए. उसके बाद फॉर ऑनवर्ड जर्नी, मतलब फर्स्ट पहले जो आगे साइड जा रहे ऑनवर्ड जर्नी, फॉर ऑनवर्ड जर्नी यहां पे इसने क्या बोला है? एवरेज स्पीड इज एक्स. सो स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर. सो देयरफॉर टाइम टेकन इसको T1 लेंगे. क्यों? क्योंकि एक रिटर्न का लगा हुआ और ऑनवर्ड का लगा हुआ. टाइम टेकन T1 इज इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम.
टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 400 अपॉन स्पीड एक्स एंड दैट इज इन आवर्स। ठीक है, आया समझ में? ना सेकेंड, टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, ऑनवर्ड जर्नी का टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। सो फॉर का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्लियर हो गया। ना वो क्या बोल रहा है, फॉर रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी के लिए कैसा स्पीड क्या है अपना? स्पीड नाउ इट इज x प्लस 40, स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड, इट इज पर आवर। सो टाइम टेकन वुड बी व्हाट? सो देयरफॉर टाइम टेकन सो ये टाइम कौन सा है? इट इज फॉर रिटर्न जर्नी। टी टू लेंगे, टी टू इज इक्वल टू 400 अपॉन एक्स प्लस 40। आया समझ में आपको गाइस? सो 400 अपॉन एक्स प्लस 40। मुझे एक बात बताओ, पहले वाले केस में टाइम ज्यादा लगा, राइट? सो पहले वाले केस को और लास्ट दूसरे वाले केस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो क्या मुझे 30 मिनट नहीं मिलेगा? वो क्या बोल रहा है, जब आपने स्पीड बढ़ाई, जब आपकी स्पीड बढ़ गई है, सो आपको 30 मिनट लेस लगता है, यू कंज्यूम लेस टाइम जब आपकी स्पीड बढ़ गई है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ एज पर गिवन कंडीशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 60। आपका ये जर्नी बाद में रिटर्न जर्नी माइनस किया गया, रिटर्न जर्नी आप जल्दी आ गए, पहले में टाइम ज्यादा लगा, वो बड़ा नंबर है, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसलिए T1 माइनस T2। सो ठीक है, नाउ T1 के वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 400 अपॉन एक्स माइनस, ये हो जाएगा 400 अपॉन एक्स प्लस 40। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। आप क्या करो, यहाँ पे 400 कॉमन ले लो और फिर बाद में हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 40, दिस इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट? इजी है ना? आप क्या करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इक्वेशन वापस लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 400 into 1/x माइनस 1/x प्लस 40 विच इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 400। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, x प्लस 40 करेंगे और माइनस x एंड डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 40। अब ये तो चैप्टर अपना हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ऐसा समझो, तो यहाँ पे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 100, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 40 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा आपका 3200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x। सो बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 3200 इक्वल टू 0। इजी है, इल टू 0। सो दिस इज 400। आ रहा समझ में? यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, 400 इंटू 40 जो होगा वो 16000, तो ये 32000 आएगा, सो इट इज 32000। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32000 इक्वल टू 0। 32000 का आपको फैक्टर ऐसा पढ़ना है कि माइनस करने पे आपको 40 आना चाहिए, मतलब माइनस करने पे 40 आना चाहिए। सो क्या हो सकता है, 84 मेरे ख्याल से, मेरे को आ रहा है, मेरे ख्याल से मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं, 200 into 160, ये क्लिक हुआ मुझे, 32000 आ गया, 200 into 160। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32000 इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपका x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 200 माइनस 160 इंटू एक्स प्लस 200 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस 200 एक ब्रैकेट में और x माइनस 160 एक ब्रैकेट में और देयरफॉर x प्लस 200 इक्वल टू 0 और x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस 200 और x इक्वल टू 160। सी x इक्वल टू माइनस 200 इज एब्सोल्युटली इनवैलिड, व्हाई? बिकॉज स्पीड, भाई स्पीड कहाँ से नेगेटिव, स्पीड कहाँ से नेगेटिव हो सकता है, ये इनवैलिड है। सो योर एवरेज स्पीड इज, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 160 किलोमीटर पर आवर, बोला ना उसने, एंड एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इज
160 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका आंसर। आए समझ में आप लोग को, इजी है। चार सम और रहेंगे, 7, 8, 9, 10, ये अगले वीडियो में देखने मिलेगा, तब तक ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो बिफोर लिविंग दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज लाइक करके ही जाना वीडियो को। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर। एंड यस, ये जैसे चैप्टर खत्म होगा, सर्कल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।